गाड़ी फंस गई है और ऐसी जगह पे फंसी है कि चारों तरफ रम्मल ही रम्मल है और हम बेचारे बीच में फंसे हैं। क्या सीन है, सख्त भूख लगी है? सख्त भूख नहीं लगी है, लेकिन देख के थोड़ा सा दिल कर रहा है। वैसे सख्त भूख लगने के बाद बंदे को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? खाना चाहिए और कोई सख्त सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। सख्त सी चीज़ एक नई वीडियो के साथ आज एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। और आज की वीडियो में फिर कुछ अलग ही होगा। फ़ोटोशूट करने के लिए जा रहे हैं और हम फ़ोटोशूट करने के लिए जा रहे हैं अलखुद्रा। अलखुद्रा दुबई से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है, मतलब थोड़ा सा दूर है, एक कोने में है। तो वहाँ पर हम जाएँगे और वहाँ पे ये फ़ोटोशूट हम करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सो आज की वीडियो में माई सेल्फ एंड अब्दुर्रहमान और आर्यन खान और साथ में इसाम अली। सो हम चार आज एक बकरा शूट करने के लिए जा रहे हैं। सीन ऑन है, थैंक यू। गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ गुजरा हूँ मैं। नहीं, हम वीकेंड में आ गए हैं फ़ोटोशूट के लिए और अलखुद्रा से थोड़ा आगे अभी हम जा रहे हैं, सूरज तेरी राइट तरफ। आगे जाके डेजर्ट में हमने ये शूट करना है। सो लेट्स सी, गुड एरिया। दिस इज द लोकेशन वेयर वी विल गोना शूट टुडे। ब्यूटीफुल सारा रेगिस्तान। सब टिकटॉक के लिए वीडियोस बना रहे हैं। ये देखो, इनको देखो, ये चीज हमें चाहिए, ये जो उसके वो बोनट पे पड़ी हुई है। क्या पड़ी? वो टेबल है। अच्छा, मुझे लगा कि वो रिफ्लेक्टर है। जाओ 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 इंस्टाग्राम पे लाइव जाओ, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी डेजर्ट सफारी हो रही है, सारे बड़े बड़े एक्टर्स आएंगे। ये जो लोकेशन है, यहाँ पे हम डेजर्ट सफारी करने के लिए फायदे में आए नहीं हैं, हम शूट करने के लिए आए हैं। लेकिन डेजर्ट सफारी इसलिए हो रही है क्योंकि हम और ज़्यादा अंदर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी बस गई है और ऐसी जगह पे फंसी है कि चारों तरफ रम्मल ही रम्मल है और हम बेचारे बीच में फंसे हुए हैं। पैर से उतारो, निकालो ये हवा, कोई चीज रख दो उसमें। बहुत हेल्प की है और अभी तकरीबन गाड़ी सेट हो गई है निकलने के लिए।
Yeah, he did a very good job. Thanks, guys. अभी 10 से 15 मिनट में जाने वाली है, तो उससे पहले ये शूट करना है। शूट होगा इंशाल्लाह, अच्छा होगा। फोटोज आपको दिखाऊंगा और कैमरे लिए हुए और पड़े हुए हैं घरों में, कुछ करते नहीं है, तो यही तो करेंगे, कैमरों को यूज ही नहीं कर पा रहे। Things. Photography is easy. Photography isn't easy. सबसे बड़ा मसला जो है लाइट का है। समझ नहीं, इतनी ज्यादती हुई है खुर्शीद खान के साथ। नहीं ज्यादती है, मैं सच बताऊं मैं तो वहां पे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। कहां पर? जब वो गाड़ी फंस गई थी। मैंने कहा यार आज हमारा शूट गया। हां आज हमारा शूट का काम तमाम हो गया, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी फंसती है तो बहुत टाइम लगता है। बट और टाइम लगा लेकिन थैंक्स टू यू। कैमरे की बैटरी जो है ना वो ड्रेन हो चुकी है और अभी मैंने कैमरे की बैटरी चेंज करनी है, और शूट जो था हमारा वो तकरीबन अच्छा हुआ है। पर ये कैमरा जो है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लाइट अभी बहुत कम है, पर यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ अच्छी लाइट दे रहा है कैमरा। और ये देखो भाई कैमरे में अपनी लाइटिंग देखो। कैमरा यार आपका माशाल्लाह से इतना प्यारा है कि हमें भी प्यारा बना देता है, टू बी फ्रैंक। वैसे अच्छा शूट हुआ है, फोटोज काफी अच्छा हुआ है यार। लाइक हमें जो चीजें चाहिए थी, गाड़ी भी फंस गई थी और बड़ी मुश्किलों से निकली है। ये तो अल्लाह का करम था कि मतलब ये लोग यहाँ पर थे और गाड़ी भी ऐसी जगह में फंसी जहाँ पर लोग थे। तो एग्जैक्टली फरिश्ते आए ऊपर से, डेजर्ट वाले फरिश्ते, डेजर्ट वाले फरिश्ते आए। वो चला गया, गाड़ी में बैटरीज है। डेजर्ट सफारी में जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। टायरों से हवा निकाल दी थी, अभी दोबारा उसको चार्ज कर रहे हैं। तो 15 PSI तक लेके आए थे, अभी हो गया उसका 35 PSI। सो अभी गाड़ी चलेगी, दौड़ेगी। और मसला पता है क्या, अलकुदरा से लेकर यहाँ तक कोई पेट्रोल पम्प भी रास्ते में नहीं था और हमें मसला हो रहा था, लेकिन बहुत स्लो आए हैं। सो हम तकरीबन पहुँच गए, अभी 15 मिनट में हम वापस अपने घर पर होंगे। तो और यहाँ से अलकुदरा जो है वो तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। चेहरा धोने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र तकरीबन 5 साल कम हो गई है। एनीवेज हम आ गए हैं अभी रेस्टोरेंट में और डिनर करेंगे। सो अब ये तो आप लोगों को पता है कि 5 मिनट का भी अगर टाइम मिलता है किसी को भी, सही है, सबसे पहले अपना मोबाइल उठा के व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या आजकल है, सारी चीज़ें चेक करते हैं। सो ये देखो लगे हुए हैं, दोनों लगे हुए हैं। सो डिनर इज़ ऑलमोस्ट रेडी, क्योंकि हम आने से पहले रास्ते में ही अरियान ने डिनर का ऑर्डर दे दिया था। तो खाना रेडी है, खाना खाते हैं।
sab with the most talented Aryan Khan and Isam Ali. He's cutting our role actually. I look better actually. Salam ana. Salam. Umeed karta hu aap sab theek ho aur Isam hamare saath hai. So as I was saying, I am with the most talented Isam Ali and the other talented Aryan Khan. One of the most famous names of Afghani cinema and Pakistani cinema. A lot of Pakistani Pathan people, Pathans know them, know him in, I'm not bluffing, I'm basically just a simple thing. But anyway, a lot of Afghanis know him, a lot of Pathans know him, even in Pakistan, and he's quite famous all around the region actually. And quite honestly, he's one of the most talented people I've met, ever. I mean, I'm talented too, but just saying, you know. And then we have Mr. Who looks better? For sure, you have to comment, guys. Who's better? I'm not gonna say anything. Okay, let's see. ये कैमरे को देखता है, इसको कुछ हो जाता है. इतना बोलता ही रहता है. यहाँ पे अभी आ गया है टाटा एंड बाय बाय करने का टाइम. इंशाल्लाह, इफ लाइफ रिमेंस. I'll see you in my next video. Tab tak ke liye Allah Hafiz, Allah Nigeban, Allah Paman, Facebook, Instagram aur YouTube ka. Agar aapne inko follow karna hai, dekhna hai, to niche description box mein main link dalunga. Check it out guys. Bye bye. We will be back with another video very soon. Inshallah. Very soon, inshallah. Very soon. He's still in character. Aryan Khan is still in character.